गुड मॉर्निंग नाइट क्लास, नाइट क्लास हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 मैथ्स में आपका एक्सरसाइज 9.4। ओके बेटा, इसमें कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवा दिए थे, तो आप जो बचे हुए हैं आगे हम करेंगे। सो वेलकम टू ऑल माय क्लास, मैथ्स क्लास। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.4 का, हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन फोर्थ, मैंने आपको कहा था फोर्थ और फिफ्थ घर से करके आने के लिए ही बोला था, सेम था। तो फोर्थ भी मैंने कराया था आपको बेटा, इसके बाद फिफ्थ मैंने सेम ही था, फिफ्थ भी फोर्थ की तरह ही सेम था फिफ्थ। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ए बी जो दो डायगनल्स बताई गई हैं, डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी के डायगनल्स बताए गए हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट पी के ऊपर। ओके, पॉइंट पी पे एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। शो दैट ए पी बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए पी बी इज इनटू ट्रायंगल सी पी डी इज इक्वल टू ए पी डी, ए बी डी इंटू ट्रायंगल्स ऑफ एरिया बी पी सी। तो ये आपको दिया हुआ है, आपने इसको प्रूव करना है। लेट्स सी, अब इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन सिक्स में आपने पढ़ लिया। आप क्वेश्चन सिक्स का देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, हम सिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन सिक्स। ओके, आपको क्या लिखना है, गिवन जो आपको दिया हुआ है वो लिखना है। गिवन है आपको क्या, गिवन है आपको ए कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है आपको ए बी सी डी इन विच, इन विच डायगनल्स, डायगनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट each other at point P. construction
AM perpendicular BD and from C draw CN perpendicular BD. ओके बेटा ये करना है, एक ये 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 ट्रेन आपका फिगर दिया हुआ है बी ए सी डी, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है बी पे और यहाँ से परपेंडिकुलर भी बना दिया है एन और यहाँ से परपेंडिकुलर भी बनाया एम. राइट ऑन. ओके बेटा राइट ऑन दिस. हरी अप. इससे आगे आप करेंगे अब देखिए बेटा इससे आगे अब हम करते हैं क्या बोला गया प्रूफ करें क्या हम क्या क्या कर लिया गिवन लिख दिया प्रूफ लिख दिया कंस्ट्रक्शन आप हमारा प्रूफ देखिए प्रूफ. ओके एरिया किसका ट्रायंगल ए बी ई का क्या है हाफ बेसिक टू हाइट एरिया का फॉर्मूला होता है बेस हो गया बी ई और हाइट हो गया ई एल. फर्स्ट पॉइंट सेकेंड अब एरिया ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू हाफ बी ई इंटू ए एम. सेकेंड पॉइंट डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट वी गेट ए आर ट्रायंगल ए ई डी अपॉन ए आर ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बी ई इंटू ए एम upon half into BE into AM. तो क्या हो गया area of triangle AED upon area of triangle
ऑफ डी इंटू सी एन टेबल बी ई सी इज इक्वल टू हाफ बी इंटू सी एन और ये किसके इक्वल आ गया ट्रायंगल सी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी ई ये पार्ट फोर्थ ओके फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ थर्ड और फोर्थ और अब यहाँ करते हैं हम आगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट क्या मिलता है हमें थर्ड और फोर्थ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई प्रूव्ड ओके बेटा अब ये प्रूव हो गया राइट डाउन Write down the 10 thing in your notebook. Hurry up. Kariye ise. Seventh B beta, aise hi aapka hoga. एट और ओके बेटा अब इसी तरह से बेटा हमारा नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है जो सेवेंथ क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है वन हाफ एरिया इक्वल करना है और थ्री एट्थ एरिया इक्वल करना है थ्री एट्थ एरिया इक्वल करने के लिए जब आप इसको इक्वल कर देंगे तो थ्री एट्थ इक्वल भी हो जाएगा ओके तो हाफ हाफ करके
माइनस वन एट करेंगे आप उसमें से, जो आपका फिगर है उसमें से, तो आपकी इनका एलसीएम लेंगे तो 3/8 हो जाएगा ये। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको करते जाना है, तो आपकी ये एक्सरसाइज पूरी इसी तरीके से हो जाएगी। सो बेटा, आपने एरियाज इक्वल करने के लिए साइड्स इक्वल करनी है उनके, उनके आपने क्या करना है, डायगनल्स भी इक्वल हो सकते हैं, तो उनके डायगनल्स से आपके ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इस कॉमन साइड डायगनल लेके उनके दो साइड्स इक्वल करनी है, उसके बाद दो साइड्स अगर हो जाती हैं नहीं तो उनके एंगल्स इक्वल करने हैं। इस तरीके से उनके साइड्स को इक्वल करते हुए, एंगल्स को इक्वल करते हुए ट्रायंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। और उनके एरियाज में इक्वल करना है तो हाफ बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा कर उन्हें इक्वल कर सकते हो। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया का ट्रायंगल का एरिया लगाकर आप इसे भी इक्वल कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो इसी तरीके से आपकी ये सारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो आप नोटबुक को कंप्लीट कीजिए और अपनी नोटबुक कंप्लीट करके स्कूल में सैटरडे को सबमिट कराएं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।